नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा थॉमसन टीवी की। यदि आपके पास थॉमसन टीवी का एंड्रॉयड टीवी है, उसमें आपका नेट नहीं चल रहा है, या फिर आपको नेट कैसे कनेक्ट करना है, या फिर आप कोई भी चीज़ खोल रहे हैं तो उसमें आपका यूट्यूब वगैरह कोई भी रन नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे आपको सेटिंग्स करना है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब को ओपन करके दिखा देता हूँ। यदि आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो कुछ आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ऑप्शन देगा। जब इस तरह से आपके इसमें ऑप्शन देगा तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आ जाना है। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास इंटरनेट का ऑप्शन आ जाएगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट का। तो यहाँ पास सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन करना है। जैसे भी आप वाईफाई को ऑन करेंगे तो यहाँ पास जो आपकी वाईफाई की डिवाइस होगी तो वो यहाँ पास शो करने लगेगी। और यदि आप इसमें शो नहीं कर रहे तो एक बार आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कुछ भी कनेक्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। तो हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर से देख सकते हैं, यदि आपके फ़ोन में सिक्योरिटी डला हुआ तो आपको इसमें सिक्योरिटी मांगेगा, और सिक्योरिटी नहीं डला हुआ तो सिक्योरिटी आपका नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर से आपको जो आपका पासवर्ड होगा तो आप पासवर्ड यहाँ पर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से मेरा जो पासवर्ड है 1 से 9 तक डला हुआ है, तो मेरा जो पासवर्ड है 1 से 9 तक डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, और आपका जो वाईफाई होगा तो आपका यहाँ पर से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यदि आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका डिसकनेक्ट हो जाता है कनेक्ट होके, तो आपको सबसे पहले अपना वाईफाई का पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इंटरनेट की स्पीड है, तो इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए अच्छी खासी। और देख सकते हैं कि उस तरह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करना है आपको, सेटिंग्स में आना है, होम में आना है आपको। तो होम में आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप होम पे आएंगे तो यहाँ पर से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका जो वाईफाई है तो पूरी तरह से कनेक्ट है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट्स एंड सिंग इन करने के लिए, और यहाँ पर आपका मिल जाए ऐप्स का। तो ऐप्स में आपको ओके करना है, और जैसे ही ऐप में आप ओके करेंगे तो आपके यहाँ जो ऐप रनिंग हुए होंगे कुछ टाइम या कुछ मिनटों में, तो आपको यहाँ पर शो करने लगे। तो यहाँ पर आपका जो यूट्यूब होगा, तो यूट्यूब पे आपको यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि ओपन करने के लिए, फोर्स स्टॉप करने के लिए और अनइंस्टॉल करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पर से आपका क्लियर डाटा के लिए आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर डाटा कर देना है। जैसे ही आप क्लियर डाटा करेंगे तो आपका यहाँ पर से ऑप्शन इस तरह से मांगेगा। जब इस तरह से आपका ऑप्शन मांगेगा तो यहाँ पर से आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपका यूट्यूब का डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आपको बैक होना है। बैक होने के बाद इसके बाद आपको प्ले स्टोर में देख लेना है कि आपका जो प्ले स्टोर है तो वो पूरी तरह से वहाँ से आपका यूट्यूब अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपका अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कैसे करना है, तो आप प्ले स्टोर में आएंगे तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर के लिए। तो प्ले स्टोर में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो आपको प्ले स्टोर में ऊपर आएंगे और जहाँ पर आपकी आईडी लॉगिन होगी वहाँ पर जाके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर से पेंडिंग में आप देख सकते हैं, अपडेट में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आपको यहाँ पर अपडेट में पड़े हुए हैं। तो फिलहाल भी मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो यूट्यूब को अपडेट करने के लिए ओके करूँगा और इसको मैं अपडेट कर लूँगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, तो आपकी नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और यदि आपका नेट स्पीड स्लो है तो आपका अपडेट नहीं होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 73 के करीब, 100 के करीब अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने के बाद आपका वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद आपका इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है, और जैसे इंस्टॉल होगा इसको ओपन करेंगे और आपका यूट्यूब जो होगा तो वर्किंग करने लगेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अब इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर से हो चुका है, और यहाँ पर से मैं इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद देखता हूँ कि मेरा क्या यूट्यूब पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपका जो अकाउंट होगा तो अकाउंट ओपन करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर से मैं सबसे पहले अकाउंट को ओपन करूँगा और बैलून को मैं स्लो कर दूँगा। तो जैसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो नेट स्पीड यदि तेज़ होती तो अभी को ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है यूट्यूब, और ये आपका प्रॉपर तरीके से आपका यूट्यूब चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।